हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम एमएस वर्ड में एक अच्छा सा पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। पोस्टर को कैसे डिजाइन करना, आप किसी भी प्रकार का पोस्टर अगर एमएस वर्ड में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं सबसे पहले आपको एमएस वर्ड की कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आप पोस्टर को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हम पोस्टर बना लेते हैं तो उसको फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो उसको हम जेपीजी पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहला जो काम करना है, आपने पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दोस्तों साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने दोस्तों यहाँ पे जिस भी साइज का पोस्टर बनाना है उस साइज को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा पेपर का साइज होता है, ये हमारा A4 साइज हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों मार्जिन पे क्लिक करना है और मार्जिन पे दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे नैरो मार्जिन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा दोस्तों मार्जिन सेट हो चुका है। ये हमारा टैब होता है, पेज लेआउट वाला टैब खुला है। तो हम पेज कलर पे जाके जिस भी कलर का आप पोस्टर बनाना चाहते हैं वो कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जब आपने यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लिया है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आपको शेप वाला ऑप्शन मिल जाता है। इस शेप पे मैं क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ से हमने दोस्तों क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप लेनी है। आप देख सकते हैं हमारे जो कर्सर की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। सिंपल इसको ड्रा करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके ही रखना है, उस लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है और आपने जितना भी ड्रा करना है ड्रा कर लेना है। मान लीजिए आपसे कम ड्रा होता है आप छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये जो डॉट्स आते हैं यहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, जब ये डॉट्स आते हैं डॉट्स पे हमारा देखिए एरो चेंज हो जाता है। जब इस टाइप का जब एरो आता है तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और डाउन यहाँ पर करना है तो ये आपकी जो शेप है ये आप देख सकते हैं ड्रा हो चुकी है पेज पे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इस पर क्लिक रहता है तो हमारा ये व्यू के बाद एक फॉर्मेट टैब मिल जाता है। जो हमारा फॉर्मेट टैब है, जब इस पर क्लिक रहता है तो हमें मिल जाता है। जो हमारा फॉर्मेट टैब है उसका मीनिंग है कि इस शेप के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की जाएगी, कलर वगैरह चेंज किए जाएंगे, यहाँ से किए जाएंगे। तो शेप फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों नो फिल कर देते हैं फिलहाल के लिए। नो फिल पे क्लिक करने के बाद आपको शेप आउटलाइन पे चले जाना है। आउटलाइन का मतलब है ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रा किया है ये वाली लाइन। तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट इसकी विड्थ रख दी है, विड्थ हमने 3 पॉइंट रख दी है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, सिंपल इसको बनाने वाले हैं। बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इंसर्ट पे जाएंगे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थर्ड वाली वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे और ये थर्ड वाली वर्ड आर्ट ले लेंगे। जिस भी सेंटर का पोस्टर बनाना है, जिस भी फर्म का, उसका आपने नाम टाइप कर देना है। जैसे मैं अपने कंप्यूटर सेंटर का नाम टाइप कर रहा हूँ, साईं कंप्यूटर एजुकेशन, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए इस पर क्लिक रहता है तो फॉर्मेट का टैब मिलता है, टेक्स्ट रैपिंग पे जाके आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। ये दोस्तों आपको करना जरूर है और यहाँ पे जब ये कर लेते हैं तो आप इसको मूव कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं सेंटर में आ चुका हूँ, मेरा एरो चेंज हो जाता है। जैसे ही एरो चेंज हो जाता है लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके हमने यहाँ सेंटर से इसको स्ट्रेच कर देना। सिंपल स्ट्रेच करते ही ये गोल हो जाता है। इस साइड से पकड़ेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर कर लेंगे और यहाँ पे इसको दोस्तों सेंटर में ला के सेट कर देंगे। आप अपने हिसाब से कलर चेंज करना चाहें तो शेप फिल पे जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं रेड करना चाहूँ तो यहाँ पे रेड कर सकता हूँ। और आउटलाइन की जो विड्थ है उसको भी आप थोड़ा सा अगर इंक्रीज करते हैं तो आप देखते हैं काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसमें, अगर आपके पास पिक्चर है, इंटरनेट है, तो आप पिक्चर पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपकी पिक्चर है उसके रिलेटेड आप पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट का यूज़ करने वाला हूँ, मुझे सिंपल कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा और गो पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये कंप्यूटर की पिक्चर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे ये वाले कंप्यूटर की पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। जब भी आप दोस्तों पिक्चर लाते हैं या आप वर्ड आर्ट लाते हैं, यहाँ से अगर पिक्चर लाएंगे या वर्ड आर्ट लाएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, ये पिक्चर आपकी मूव नहीं होती है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट रैपिंग पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। पोस्टर बनाते टाइम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कमांड को कभी भी नहीं भूलना, ये बात मेरी याद रखना आपने। और यहाँ पे दोस्तों इसको हम सेंटर में कर सकते हैं, इसको हम साइज़ में बड़ा छोटा करना चाहें कॉर्नर से पकड़ के करिए ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से साइज़ बराबर होता है। तो ये आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मुझे दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, शेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक रेक्टेंगल आ जाए तो रेक्टेंगल ले लेते हैं और इसको हमने जूम कर लेना है। जूम दोस्तों आप यहाँ से भी करते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ से जूम करते हैं, लेकिन जल्दी करना है तो दोस्तों कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और अपने माउस पे स्क्रॉल बटन को ऊपर की तरफ
जो हमारे पास व्हील बटन है उसको ऊपर की तरफ करते हैं तो जूम ज़्यादा होता है, और अगर नीचे की तरफ करते हैं तो जूम कम होता है। तो ये भी एक आपको शॉर्टकट की पता चल गई, तो यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना है। तो मैं अब अगर कंट्रोल को छोड़ देता हूँ तो ऊपर नीचे कर रहा है, स्क्रॉल बार आप देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रही है हमारी। तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखते हैं तो ये जूम होता है, और कंट्रोल छोड़ देते हैं तो ये हमारा जूम हो चुका है। अब हम जहाँ पे इसको ड्रा कर लेंगे, आप जूम जैसे मर्जी करिए दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसको ड्रा कर लिया, सिंपल सी बात है, ड्रा करते टाइम जूम अच्छा किया होगा तो अच्छे से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो आपने पोस्टर बनाना है बिल्कुल इसके अंदर ही रखना है, और एरो की का यूज़ करके इसको फिट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे एरो की है तो आप इसको अच्छे से फिट कर सकते हैं, आपने इसको अच्छे से फिट कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से 100% पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। बस दोस्तों अब आपका पोस्टर कंप्लीट जल्दी ही होने वाला है। वर्ड आर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे दोस्तों आपने यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एडमिशन ओपन, हमारे सेंटर में अभी एडमिशन ओपन है तो मैं यहाँ पे एडमिशन ओपन लिख रहा हूँ। आपने जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं, उसके बाद ओके कर देना है। टेक्स्ट रैपिंग पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, और यहाँ पे इसको लाके बिल्कुल सेंटर में इसको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये इसका कलर चेंज करना होगा, ऊपर वाले पे ही क्लिक रहेगा एडमिशन ओपन पे, शेप फिल पे जाके इसका कलर आपने यहाँ पे से फिल कर लेना है। अब दोस्तों आपने एक ही डिज़ाइन का यूज़ करना है, मैं क्या बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला काम होगा आपने दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपने एक रेक्टेंगल लेना है, और इस रेक्टेंगल को दोस्तों यहाँ पे ड्रा करना है। इस रेक्टेंगल को आप बड़ा छोटा बाद में भी कर सकते हैं, जितना ड्रा करना होगा दोस्तों आपने कर लेना है। और कंट्रोल दबा के मैं जूम कर रहा हूँ, जूम करने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या काम करना है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है, और दोस्तों एक ओवल शेप लेनी है। इस ओवल शेप को दोस्तों ड्रा करने से पहले शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, और इस ओवल शेप को आपने ड्रा कर लेना है। अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं और इसको ड्रा करते हैं तो दोस्तों ये सर्कल में ड्रा होता है, अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके नहीं रखते हैं और इसको ड्रा करते हैं तो ये दोस्तों ओवल शेप में आपका ड्रा होता है। तो मैंने इसलिए शिफ्ट प्रेस किया ताकि ये सर्कल में ड्रा हो। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, इसके ऊपर रख दिया ताकि ये लगे कि एक जैसे हैं। ये हम एक्चुअल डिज़ाइन बनाने के लिए कर रहे हैं। अब हम दोस्तों ये देखिए, ये अलग है और ये अलग है, अगर मैं किसी एक को बड़ा करूंगा तो दोस्तों वही बड़ा होगा, दूसरा वाला उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इस पर क्लिक करने वाला हूँ, पहले फर्स्ट वाले पे जो ड्रा किया था, शिफ्ट बटन को प्रेस कर देना, दूसरे पे क्लिक करना, जो माउस है आपका वो आपने मूव नहीं करना है, राइट क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाके आपने ग्रुप पे क्लिक कर देना है। अगर आपका ये ग्रुप हो जाता है तो दोस्तों आप किसी भी शेप को अगर बड़ा करेंगे साइड से तो दोनों शेप्स आपकी बराबर यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी छोटी हो रही हैं, और आप अगर साइड से करते हैं तो साइड से भी आपके दोनों साइड स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप जो भी कलर करेंगे दोनों में एक जैसा कलर आने वाला है, तो आप जो कलर चाहे इसमें ले सकते हैं, मैं ब्लैक कलर रख रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, इस वाली शेप पे कंट्रोल डी करना है, और इसको उठा के आपने नीचे लेके आ जाना है। अब ये दूसरा बन गया, कंट्रोल डी करेंगे, इसको उठा के आप थोड़े से गैप छोड़ेंगे और तीसरा आ जाएगा, कंट्रोल डी करेंगे, अब इसको उठा के आप लास्ट में रख देंगे, तो ये आपका इस टाइप का यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन बन चुका है। एडमिशन ओपन जो मैंने लिखा हुआ है इसी का आप डुप्लीकेट कर लेना, ये जल्दी हो जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एडमिशन ओपन के ऊपर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपने एडिट कर लेना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको फोटोशॉप, मैंने यहाँ पे फोटोशॉप लिख लिया, और इसका फॉर्मेट पे जाके हम कलर कर देते हैं वाइट, क्योंकि ब्लैक पे जो वाइट है वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे मुझे फोटोशॉप की जगह पे कुछ और भी लिखना है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे करने वाला हूँ सिंपल कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, अगर कोई गलती हो जाती है कंट्रोल जेड कर लेना है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। फोटोशॉप को मैंने यहाँ पे रखा, अब राइट क्लिक करके एडिट वाला भी बताया, एक दूसरा एडिट कहाँ से होता है मैं बताता हूँ, फॉर्मेट पे चले जाना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ से भी दोस्तों आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फोटोशॉप सिखा रहा हूँ दोस्तों, मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, तो यहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग लिख देता हूँ। दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर में भी आ सकते हैं, सेंटर का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। अभी यहाँ पे एडमिशन ओपन्स हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको कोर्स करवाने के बाद गवर्नमेंट वैलिड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर की तरफ से, तो आप मेरे से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, बैचेस अभी चल रहे हैं, अभी ओपन हो चुके हैं। तो ये आपके लिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं, किसी भी एरिया से हैं, तो सेंटर में भी आ सकते हैं, मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे नंबरिंग देनी है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से आपको क्या कर लेना, सिंपल प्रोसेस है, वर्ड आर्ट लेनी है, यहाँ पे आपको वन लिखना है, ओके कर देना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वन लिख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों डुप्लीकेट करना है,
राइट क्लिक करना है, डिटेक्स्ट करना है, आप टू लिखना है, ओके करना है। ये चीज़ें आपको दोस्तों मैंने इसलिए बताई क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका एक पोस्टर बन जाएगा और दोस्तों एक पोस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम वो लिख लेते हैं। अब इसका हम चाहते हैं कि कलर चेंज हो जाए, तो एक तो ये तरीका होगा कि आप वन बाई वन कलर चेंज करें। अगर आप चाहते हैं सभी का कलर एक जैसा हो जाए तो क्या करना है, शिफ्ट बटन को प्रेस करके इन सभी पे क्लिक कर लेना है। इन सभी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। जो भी कलर रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख लीजिए, मैंने ये कलर रखा हुआ है। और सिंपल दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक आपको फिर से एक रेक्टेंगल लेना है और इसको आपने ड्रा कर लेना है इसके बीच। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला हम क्या करें, डुप्लीकेट ले रहे हैं। डुप्लीकेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना एड्रेस भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो एड्रेस है नियर हीरानगर स्टेडियम है एड्रेस हमारा सेंटर का, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और सिंपल फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे आपको दोस्तों जो भी कलर देना आप दे सकते हैं। अब इसी का आपने एक डुप्लीकेट ले लेना है और यहाँ पे नीचे की तरफ सेट कर देना है, राइट क्लिक करना है, डिटेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपने अपने मोबाइल नंबर दे देना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन रीडिंग मोड पे क्लिक कर लेना है। जहाँ पे दोस्तों आपने एक टूल को सर्च करना है जिसका नाम है स्निपिंग टूल और न्यू पे क्लिक करना है। और इस बार दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपल जब आपकी स्क्रीन जो वाइट हो जाती है आपने क्या करना है, अपने पोस्टर को लेफ्ट क्लिक प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए गलत सेलेक्ट हो जाता है तो दोस्तों आपने फिर से क्या करना है, फिर से आपने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने जो बॉर्डर लगाया हुआ है हम वहाँ तक कहीं से भी सेलेक्ट कर लें तो ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। हम फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे दोस्तों यस पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। और अभी आप देख सकते हैं मेरा ये पोस्टर JPG पिक्चर में दोस्तों कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ये एक पिक्चर बन चुकी है, एक फ़ोटो है, आप इसको व्हाट्सएप फेसबुक कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।